कंबोडिया भी देखने वाली जगह है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो पुरानी तहजीब है कंबोडियन वो अभी तक कायम है। और मैं पहले कह रहा हूँ, बता चुका हूँ कि दुनिया में 5 मुल्क ऐसे हैं कि जिनकी पुरानी ट्रेडिशंस अभी तक कायम हैं। उन सबका ख्याल ये है कि जो हमारी रंगत के लोग हैं वो इंडियन हैं, जो यहाँ पे विज़िट करते हैं, कुछ सोचता ही नहीं है कि पाकिस्तानी भी विज़िटर हो सकते हैं और वो भी आ सकते हैं और वो भी चीज़ों को देख सकते हैं। पैलेस हमेशा पैलेस ही होते हैं और वो सब एक जैसे ही होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। पैलेस है, उसके ये बाहर एंट्रेंस है और अब हम जो आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें देखते जाएंगे। चलें, बुद्धा के मुजस्मे लगे हुए दोनों साइडों पे, अतः स्वागत करता हुआ बुद्धा। हेलो, ये है पैलेस, आप देखें इसका। नहीं जी, सामने कंबोडिया के जो किंग हैं उनका पैलेस है और मैं आपको वो पैलेस दिखाने लेके जाता हूँ। आजिए आ जाए मेरे साथ। ये पैलेस के मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ अब एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें किंग रहता है और बाकी उसने अपना पैलेस ओपन कर दिया है और अब ये टूरिज़म के पैसों से चल रहा है। $10 पर पर्सन लेते हैं ये और उसके बाद आप एंटर होके पूरा पैलेस देख सकते हैं। अब कंबोडिया भी, क्योंकि जो इसका पुराना रॉयल स्टाइल है, अब यहाँ पे इनका प्राइम मिनिस्टर भी है और साथ साथ इनका किंग भी है, तो किंगशिप भी चल रही है और डेमोक्रेसी भी चल रही है। तो एक लूज सी डेमोक्रेसी है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो किंग के अखराजात भी चला रही है। किंग की एज 70 साल से ज़्यादा है और उनकी मलका, उनकी जो वालदा है वो भी हयात है, उनकी उम्र 95 साल है और किंग ने शादी नहीं की, तो अब किंग बगैर औलाद है। किंग ला औलाद है और जो उसकी वालदा है उसको मदर किंग ज़ाहिर है, जो बादशाह की जब तक वालदा हयात होती है उसे मदर किंग का खिताब दिया जाता है, मदर किंग भी है। ये पुराना बुद्ध स्टाइल में, चाइनीज स्टाइल में ये पैलेस बना हुआ है सारा।
गैप है रॉयल पैलेस का। हम सेलर पकोड़ा की तरफ जा रहे हैं। पकोड़ाज इनको वो कहते हैं जो इनका पुराना स्टाइल है बिल्डिंग का, जिसमें पकोड़ाज बनाते हैं। चाइनीज़ आपने स्टाइल देखा होगा। मोराइल वॉल है। अब इसके अंदर पूरी पेंटेड वॉल है, जिसके अंदर इन्होंने पूरी एक जंग का नक्शा खींचा हुआ है, पुराने किंगशिप में जो जंगें होती थी उसमें। बहुत बड़ी पेंटिंग है ये एंड टू एंड, जिसमें बादशाह का सारा ग्रैंडर के बादशाह किस तरह ज़िंदगी गुजारता था, मुख्तलिफ फंक्शंस हैं बादशाह के, मुख्तलिफ वार्स हैं, उनका अहवाल है। बादशाह शिकार करने के लिए गया, बादशाह अपनी मलकाओं के साथ है, बादशाह आवाम के साथ है। तो मुख्तलिफ जो पोर्शंस हैं बादशाह की लाइफ के, वो सारे इस मोराइल में डिपिक्ट किए हुए हैं। पुराने ज़माने में यही होता था कि बादशाह सलामत जो थे और उनके पास ज़ाहिर वर्क फोर्स बहुत होती थी, तो वो लोगों को काम पे लगा देते थे। पूरी पूरी एक नस्ल तस्वीरें बनाने में, मजस्में बनाने में इस्तेमाल होती थी। कंबोडिया वाकई देखने वाली जगह है, जिसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर एक पुराना पूरा कल्चर आपने देखना हो तो ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। एशिया ज़ाहिर है उसका अपना एक ग्रैंडर है, अपनी एक हिस्ट्री है। तो ये क्योंकि ईस्ट है बाकायदा, वो कहते हैं दुनिया के दो जगहों पे तकसीम है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट जो ना, ये सारे कंट्रीज़ हैं जो चाइनीज़ कंट्रीज़ हैं, जो पहले चाइना के ज़ेरे इख्तियार रहे हैं। और वेस्ट जो है वो ज़ाहिर मगरब, जिसको यूरोप कहते हैं हम, वो है। और जो पाकिस्तान और इंडिया है, ये दरमियान में मिड है। एक साइड पे सेंट्रल एशिया, जिसको सेंट्रल एशिया रशियन स्टेट्स कहते हैं, वो है। और साउथ की तरफ कुछ भी नहीं है ज़ाहिर है, वो तो बहुत आइलैंड्स है छोटे छोटे। तो बाकी जो मिड है वो इंडिया है, दरमियान में सारा इंडियन पोर्शन है। तो ईस्ट को भी देखना चाहिए और वेस्ट को भी देखना चाहिए, दोनों एक डिफरेंट कल्चर हैं। ये इसी तरह मोराइल जो है ना, पूरा राउंड में चल रहा है, पूरे कंपाउंड के अंदर। ये बहुत बड़ा, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी पैलेस में इतना बड़ा मोराइल देखा, कि ये चारों साइडों पे इसी तरह घूम रहा है। और अब मुझे पता तो नहीं, याद तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये इस टाइप का जो दुनिया में, वर्ल्ड में एक ही होगा। इतना बड़ा मैंने देखा आज तक, क्योंकि बहुत पैलेसेस देख चुका हूँ, लेकिन किसी पैलेस के अंदर इतना बड़ी पेंटिंग जो है, जो कॉरिडोर में चारों साइड पे चल रही हो, वो नहीं मैंने देखी। और बहुत बारीकी के साथ देखे काम हुआ हुआ इस पे। रेनोवेशन चल रही है पैलेस की, ये देखिए कि दोनों साइडों पे ये भी एक टेंपल है छोटा सा, और इसके ऊपर बहुत बारीकी के साथ स्टोन वर्क है, और उसको बहुत ही नफासत के साथ बनाया गया। और दूसरी साइड पे ये है, आमने सामने है ये दोनों। और इस साइड पे दरवाज़ा है, गेट है, और ये कॉरिडोर में खुलता है गेट। ये सारा देखिए मोराइल है, और ये चारों साइडों पे, मेरा ख्याल है ये दुनिया में सबसे बड़ा मोराइल होगा किसी पैलेस के अंदर,
इतना बड़ा मैंने देखा। और आपको एक दिलचस्प बात ये बताता चलो कि इस टाइप का मोरेल जो है वो लाहौर में शाही किला के बाहर की साइड पे भी है। उसे ये कहा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा मोरेल है जो किसी कासल के सामने बाहर है, किले के सामने बाहर बैरूनी दीवार पे। और ये जो अंदर किले में है ये वाकई यूनिक सी जगह, ये टेम्पल है इनका। मैं आपको टेंपल के अंदर भी लेके जाता हूँ, वहाँ पे पादरी बैठा हुआ है और वो एक तरीका होता है ना कि जो टूरिस्ट होते हैं उनको उनका मुस्तकबिल बताना शुरू कर दें तो उससे पैसे खींचे। तो मेरा ख्याल है अंदर गोरों को उन्होंने बिठा के इस काम पे लगाया हुआ। पैलेस दुनिया में हर जगह पे सेम होते हैं, उसी तरह ही दौलत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गोल्डन कलर, पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने ख्वाबगाह, बड़े बड़े शैंडलियर्स और वेटिंग स्पेसेस बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स, ये सब चीज़ें आप देखें इससे पता चलता है कि बादशाह बादशाह होता है, वो पुराना हो या आज का हो। पैलेसेस क्योंकि बहुत पुराने होते हैं और उसमें बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जिनका ताल्लुक 200-200 साल से होता है, तो इसलिए दरख्त भी बड़े होते हैं, गार्डन्स भी बड़े होते हैं, सड़कें भी बड़ी होती हैं, अंदर वेटिंग रूम्स भी बड़े होते हैं, हर चीज़ पैलेस के अंदर बड़ी होती है। याद रखें पैलेस का मतलब ही एक ऐसी जगह होती है जिसका जिसके अंदर बहुत सारी दौलत इस्तेमाल हुई हो। गरीब पैलेस नहीं होता, कभी भी सादा नहीं होता। अब देखिएगा ये सीढ़ियाँ हैं जी और इसके ऊपर हम चढ़ रहे हैं। अभी एक हिस्सा बादशाह ने अपने पास रखा हुआ है और बाकी उसने ओपन कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पैसे तो है नहीं मुल्क चलाने के लिए, तो डेफिनेटली फिर आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। तो अब टूरिस्ट जो हैं उनसे कंबोडिया चल रहा है। खांचा एक्सपर्ट है ना जी, तो एक एक्सपर्टीज़ का मुजाहरा करेंगे, अगर कामयाब हो गए ठीक है, ना हुआ तो फिर मैं आपको ज़बानी बताऊंगा कि अंदर क्या है। उसने लिखा हुआ नो पिक्चर, तो पिक्चर्स वगैरह तो नहीं अवेलेबल यहाँ पे, ऐसा अलाउड नहीं है और मैं कर कुछ नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद एक खांचा जो है ना कोशिश करते हैं। अब इसके मुख्तलिफ पोर्शंस हैं पैलेस के और उन हिस्सों में लोग घूम फिर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। देखिए ज़िंदगी में नॉलेज हासिल करने का सबसे जो बड़ा तरीका है वो ट्रैवल है। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि भाई साहब अगर आप ट्रैवल कर लें तो आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके पास नॉलेज ही नॉलेज है। और अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो फिर आपका नॉलेज बहुत पुअर है। ये मोरेल देखिएगा, दिसंबर में भी ठीक ठाक गर्मी है यहाँ पे, टेम्परेचर जो है वो 35 है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पैलेस का रेप्लिका बनाया है, पूरा नक्शा
के टेंपल। ये अनकोर वैट है ठीक, जिस पे हमने कल जाना है। अगेन ये इनके कोई कमाल ही है जी, वैसे इतना स्टोन के साथ कार्विंग मैंने देखी किसी और जगह जी, पूरे का पूरा स्टोन वर्क। और उसमें आप इसको करीब से देखें आपको हैरत होगी कि इतना स्टोन वर्क उसकी कार्विंग कर कर के पूरा एक पैलेस क्रिएट किया गया उसका रेप्लिका। आइए मैं आपको कंबोडिया के किंग का पैलेस दिखाता हूं। कंबोडिया में तवील अरसे से बादशाहत है, और लेकिन इनका कमाल यह है कि बादशाहत के साथ साथ डेमोक्रेसी चला रहे हैं। अब पैलेस है, मैं आपको वो दिखाता हूं, पर आप इसको इसकी विजिट को बहुत एंजॉय करें। व्हाइट एलिफेंट पैलेस, वो कहते हैं कि इवन एम्परर और किंग्स आर द ह्यूमन बीइंग्स, कि होते सारे इंसान ही हैं। और हैं तो बहरहाल इंसान ही सब, और सब ने मर जाना है। किंग मर जाता है, किंगशिप नहीं मरते। सेम इसी तरह डेमोक्रेसी चलती रहती है, डेमोक्रेट्स मर जाते हैं। बादशाहों के लिए लिबास बनाने का पुराना स्टाइल। ये बादशाहों का ये देख लीजिएगा, पिक्चर गैलरी है बादशाह की इसके अंदर। जब इनको ताज पहनाया गया था करोनेशन,